सो हे गाइस, कैसे हो आप लोग। एक अनदर ब्लॉग में आपका स्वागत है। तो अभी घर पे आया हूँ, रात के 8:30 बज रहे, 9 बज रहे हैं मतलब। तो अभी चलते हैं बाहर, कुछ सामान खरीदना है एंड थोड़ा सा फल भी लेना है। फल ख़त्म हो गया था ना, तो इसीलिए चलो फिर चलते हैं। और हाँ गाइस, एक चीज़ बता दूँ, अगर जो आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि डेली ब्लॉग बना रहा हूँ। तो आप लोग सपोर्ट करेंगे तो और ज़्यादा अच्छा लगेगा, ठीक है। तो चलो चलते हैं, चलो नहीं तो चाउमीन लेने आई है। असल में श्रेया का सर दर्द हो रहा, दवा ले ली है मगर पता नहीं क्यों आराम नहीं मिल रहा है इसकी वजह से। तो अभी चाउमीन पैक कराते हैं, उसके बाद निकलते हैं घर की तरफ। और अभी रात के 9:30 बज रहे हैं। रील बनने लगती है, पेंट करवाने वाला है। मेरा रूम इतना है ना कि जल्दी चाउमीन खा रही है ना तो फिसल जाओगी। मेरा पैर, मेरा जमीन इतना स्टिकी है क्या बतख फिसल जाता है इसमें। और क्या, ओ क्या नाम है, मुर्गा। तो गाइस घर आ गए हैं और घर का भी 11:30 बज रहा है, वो भी रात के। एंड खाना ना खा लिया है, अभी श्रेया फल खा रही थी ताकि थोड़ा फल खाने से ताकत। मैंने, इन्होंने हमको, मुझे जबरदस्ती खिला रहे हैं फल। मैंने तो बोला था मैं सुबह खाऊंगी। कीवी लाया था, कीवी भी खिलाई है, डॉक्टर ने कहा था कीवी खिलाना, तो उससे थोड़ा सा जो प्लेटें डाउन हो जाती हैं वो सही हो जाती है, रिकवर हो जाती है। तो श्रेया कीवी खा चुकी, कीवी मुझे अच्छी नहीं लगती है असल में, कड़ू कड़ू गले में लगती है, तो मजबूरी है खाना श्रेया को। और ये देखो गाइस, पत्ते रखे पपीते के, मगर इनको पपीते के पत्ते नहीं खाने हैं, इनको वो नहीं खाना है। नहीं खाना तुम्हें का है, बहुत गंदे होते हैं। पता, बहुत गंदे होते हैं। तो पपीता खा रही है। मैंने खाया, मैंने 4 बार पीस के खाया। तो पपीता खा रही है और आई होप अच्छा, अच्छी तबीयत हो जाएगी एंड अच्छी हो भी गई है, क्योंकि काफ़ी दिनों से शादी तक ठीक होना है ना, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा वायरल भी चल रहा है गाइस। एक चीज़ बता दूँ, हर चौथे आदमी के बुखार है और कमजोरी है, तो ये चीज़ वायरल कभी कभी आ जाता है। और मैं, मेरे ऐसा नहीं कि मेरे हम दोनों की खाली है, मेरे घर में 2-3 लोगों के उनके भी बुखार है, मेरी सिस्टर के संजना के भी बुखार है और चाचा के भी बुखार है, इसलिए थोड़ा सा बच के रहना पड़ता है। और हमेशा कमरे में कॉइल मॉर्टिन जो भी हो सब कुछ लगा के रखे, क्योंकि कभी भी वायरल फैल सकता है, कि जो मच्छरों से कभी भी आपको छू सकते हैं, मच्छरों से ही फैलता है गाइस। और अब काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है क्योंकि तबीयत सही हो गई है। पहले जानते हैं मुँह से आवाज़ नहीं निकल रही थी, पहले हम लोग बोल नहीं पा रहे थे, ताकत लग रही थी, मगर अब थोड़ा सा सही है ना। और बताओ, अच्छा मैं पपीता मीठा है इस बार का। अब वो वाला जो पपीता रखा है वो कौन सा, वो कच्चे हैं अभी, तो पपीते उसको 2 दिन रखेंगे ना, वो पक जाएगा, 2 दिन में पक जाएगा वो। चलो ठीक है,